Assalamu alaikum dear students welcome to lecture series of grade 9th mathematics national book foundation dear students today we will attempt the last question of exercise 1.2 question number 5 in which we have to use laws of exponents dear students ex laws of exponents are already question number 4 we use kar chuki hai. और इसमें डिटेल्स ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं सो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिए जाएंगे बिकॉज यू नो दैट कि आपका जो पेपर है वो एस एल ओ बेस्ड है सो यू हैव टू अटैम्प्ट दो क्वेश्चन जो एफ पी आई एस सी रिकमेंडेड बुक से हैं एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपसे क्वेश्चन वो सॉल्व हो गए हैं या नहीं ठीक है सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दोज क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आई विल प्रोवाइड द सोलूशन देन सो क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें हमने शो करना है

उसको इक्वल प्रूफ करेंगी शो करेंगी राइट साइड के जे स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं जो कि हमारा सिक्स लॉ uh, है uh, आपको सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। अब जब भी इस तरह से ये बेस हमारी सेम है और ये डिनोमिनेटर में है सो जब हम ये ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो आपकी जो एक्सपोनेंट uh, है ये माइनस हो जाएगी एंड होल पावर वो एज इट इज आएगी इसी तरह से नेक्स्ट में आपके पास यू कैन सी के एक्सपोने जो बेस है हमारी वो सेम है यहाँ पे वाई है क्वेश्चन में सो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो हमारी एक्सपोनेंट है आर उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो सब हो जाएगी और क्यू माइनस आर एज इट इज़ रहेगी सेम इज़ द तो केस Z हमारे पास जो x बेस है वो सेम है सो so, हम p जब लेके जाएंगे ऊपर तो इट विल बी सप्टेक्टेड एंड द रेस्ट हमारे पास जो है x पावर्स एक्सपोनेंट्स जो हैं और y एंड yes, it टू जी ये एज इट इज हम अभी रखते हैं सो नाउ डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एक्सपोनेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई ठीक है इसी तरह से ये एक्सपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड सेम लाइक दिस ठीक है ये भी हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो ऑलरेडी भी हम यूज कर चुके हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इट्स आर फोर्थ लॉ सो जब नाउ ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र होता है ठीक है सो so, यहाँ पे भी आप देख लें पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू है सो डायरेक्टली वी कैन राइट इट पी स्क्र माइनस क्यू स्केयर इसी तरह से नेक्स्ट भी आप देख लें हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्यू स्केयर और जी आ जाएगा आर स्क्र माइनस पी स्केयर और क्यू स्केयर इन टू आर स्केयर इन टू ये आपके पास पावर्स इसी तरह से आ गई ठीक है नाउ हम जो सेम पावर्स हैं उनको ये वाई है आपके पास जो सेम पावर हमारे पास बेस है नॉट द एक्सपोनेंट नॉट द पावर जो सेम बेस है जैसे ये एक्स और ये एक्स ये आपके पास सेम बेस है इसी तरह से यहाँ पे आप देखें वाई ये सेम है एंड सी ठीक है ये बेस आपके पास सेम है सो वी कैन एड एक्सपोनेंट्स ठीक है हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं सो so, इस एक्स की एक्सपोनेंट है पी स्क्र माइनस क्यू स्केयर एंड अनदर एक्स जो हमारे पास है उसकी एक्सपोनेंट है क्यू स्केयर ठीक है वो इसमें ऐड हो जाएगी नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास वाई है बेस सो so, अब क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर और इस यहाँ पर हमारे पास है आर स्केर ठीक है ये ऐड हो जाएगी ये आपके पास नाओ जी हमारे पास बेस सेम है ठीक है सो इट विल बी आर स्केयर माइनस बी स्केयर और ये आपके पास ऐड हो जाएगी बेस सेम थी तो हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड किया नाउ वी कैन इजीली सिम्प्लीफाई ठीक है ये हमारे पास बेस सेम थी इसी तरह से ये आपके पास बेस सेम थी और z भी सेम थी तो हमने उनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लिया नाउ डियर स्टूडेंट्स ये आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसी तरह से यहां पे हमारे पास r कैंसिल आउट हो जाएगा और p बिकॉज ऑपोजिट साइंस आर देयर सो यू आर लेफ्ट विद रिमेनिंग टर्म एक्स पार पी स्क् वाई पार क्यू स्क्य और एक्सपोनेंट चूज केयर एंड जी एक्सपोनेंट इज ऑस केयर अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी राइट हैंड साइड है वो यही टर्म है सो so, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है वी हैव टेकन द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड उसे हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड की इक्वली इजीली